पत्रकारिता जगत के हमारे दीपक कलाल, माननीय आदरणीय श्री अर्नब गोस्वामी जी। तो गूगल के प्राप्त जानकारी के आधार पर 2017 में उन्होंने एक चैनल बनाया है, राजीव चंद्रशेखर कर कोई भाजपा के सांसद हैं, उनका वो चैनल है, नाम रिपब्लिक टीवी है, हालांकि नाम तो नहीं सही है, अल जजीरा होना चाहिए था, नहीं माचिस के डिबिया में इतना शोर। तो बहुत उनका कहना है कि वो बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं, उनका प्राइम टाइम शो है, उनकी बात का बहुत वजन है। तो पिछले छः महीनों के मैंने उनके डिबेट्स को एक मोटा मोटा एनालाइज किया, तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC और तबलीगी जमात और पालघर लिंचिंग और 370, मतलब सांप्रदायिक भावनाओं के इर्द गिर्द ही उनके डिबेट थे। उनका कोई भी डिबेट GDP या अर्थव्यवस्था या युवाओं के रोजगार या महिलाओं की सुरक्षा या धरातल पर मुद्दे या बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं या कोरोना की जांचें या PPE किट्स या वेंटिलेटर, ऐसी किसी भी विषय पर उनका कोई डिबेट मुझे नहीं प्राप्त हुआ 6 महीने के आधार पर। लेकिन वो कहते हैं कि वो बड़े पत्रकार हैं। दूसरा, मैंने उनका पिछले 12-15 दिनों का उनकी व्यूअरशिप को ऑब्जर्व किया, रिपब्लिक टीवी जो वो उनका प्राइम टाइम डिबेट है सेल्फ प्रोक्लेम्ड, तो 44,000 55,000 48,000 लोग लगभग उन्हें प्रतिदिन देखते हैं। सो 135 करोड़ के देश में अगर 64,000 से 65,000 लोग कोई डिबेट डेली देखते हैं, तो इसका तात्पर्य हुआ कि 0.0037% जो है वो उनका दर्शक वर्ग है। 0.0037% इतना विराट दर्शक वर्ग जिस पत्रकार का है, उस पत्रकार पर हमला, तो लोकतंत्र पे हमला है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, ये NSA अजीत डोभाल जी को देखना चाहिए, या लश्कर ए तैयबा या हिजबुल मुजाहिदीन की कोई साजिश हो सकती है, और उनकी वाई श्रेणी की सुरक्षा को बढ़ाकर Z+ कर देना चाहिए। क्योंकि वाई श्रेणी आप समझते हैं ना, जो कपिल मिश्रा को मिली थी दिल्ली के दंगों में, हाँ, तो वो धरती पे दंगा करते हैं, ये हवा में दंगा करते हैं, मगर इनके चेहरे पे बहुत भय दिख रहा था। जो वीडियो उन्होंने बताया कि जो है वाई श्रेणी वालों ने रोका, दो लड़के बाइक से थे, वो किस संगठन से जुड़े हैं, उनको किस पार्टी की अध्यक्षा ने भेजा है, ये बताने के लिए वो रुके, उसके बाद वो चले गए। जो लोग दिन भर लोगों की भीड़ में भय पैदा करते हैं, उन लोगों के लिए जो सब्जी बेचते हैं, जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, जो श्रमिक हैं, जो छोटे छोटे उद्योगों में काम करते हैं, जिन्हें भीड़ से मारे जाने का खतरा है, और जो समाज में इस जहर को बोते हैं, जिनके पास Y+ की सुरक्षा है, उनको इतना डर, आपको क्या डर है? आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार को इनकी सुरक्षा गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी कितनी प्रतिष्ठा है, 0.0037%, इससे ज्यादा तो हमारा खेसारी लाल पॉपुलर है, निरहुआ बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तो क्या अमिताभ बच्चन हो जाएगा? सपना चौधरी जी लोक नृत्यांगना है, नोरा फतेही का अपना एक क्लाइंटेल है, तो देर इज अ बेसिक क्लास डिफरेंस बिटवीन द पीपल। तो जो टिप्पणी उन्होंने जिस पर की, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि उससे योग्य ये व्यक्ति नहीं है कि समकक्ष रह के उस टिप्पणी का कोई बचाव किया जाए। हाँ, मुझे मेरे लिए एक चिंता है, मेरे लिए मुझे ये चिंता है कि हम लोग मेहनत करते हैं, महिला हैं, काम करते हैं, तो एक ऐसी महिला जो 52 वर्ष से भारत की बहू है, देखिए हमारे हिंदू में अगर एक बार अग्नि के चारों तरफ सप्तपदी श्लोक के अंतर्गत हमने विवाह हो गया, तो फिर वो स्त्री अगर वामांग आ गई, तो फिर उसका कुल, उसका गोत्र, उसके धर्म, उसकी जाति पर उंगली उठा रहा है, तो फिर उसको तो पहले वो धर्म का अध्ययन करे। अगर कन्या एक बार वामांग हो गई, तो फिर वो पुरुष में समाहित है, वही उसकी पहचान है। दूसरी चीज, 2004 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया की ताकतवर महिलाओं में शुमार किया, 2012 में टाइम मैगजीन ने उनको अपने मुखपत्र पे रखा, दुनिया की इन्फ्लुएंशियल महिलाएं जैसे मिशेल ओबामा, जैसे कोंडाजेल राइस, जैसे जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, ऐसे लोगों में जिस महिला का नाम रहा, जिसे दुनिया की पत्रकारिता ने, IT सेल ने नहीं, सन, डेली मिरर, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, दुनिया की वैश्विक मीडिया जो प्रायोजित नहीं होती है, उसने उन्हें सेंट, संत कहा, जब प्रधानमंत्री पद का त्याग किया, क्योंकि कोई पुरुष तो प्रधानी नहीं छोड़ सकता है, प्रधानमंत्री पद तो बहुत बड़ा होता है, ये कोई महिला ही कर सकती है, तो वैश्विक मीडिया ने जिसे संत की उपाधि दी, अगर ऐसी महिला पर कोई ओछी 2% की, जिसकी व्यूअरशिप 0.0037% है, अगर इस
टिप्पणी को करता है, तो ये मतलब ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी सी ग्रेड चीप क्लास का आदमी कभी भी उंगली उठा देगा, तो ये आधी आबादी की अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है कि दुनिया की ताकतवर महिलाओं में शुमार होने के बाद भी सस्ती मानसिकता के लोग आपके इर्द गिर्द, ऐसा तो ये बड़ा दुखद है। इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तीसरा जो है, बहुत खास जो क्वेश्चंस आए हैं बस मैंने वही इन्वॉल्व किए हैं, उनका डिबेट्स आप लोग मत देखिएगा। जैसे खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट होता है ना, कि प्रतिरोधक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमें लगता है उत्तेजक दवाइयों का इस्तेमाल करके जो है वो डिबेट करते हैं, लेकिन टीआरपी के लिए ऐसा होता है। आप जैसे देखिए, आईपीएल है, बहुत बड़ा इवेंट है, कोको पेप्सी वीवो उसको स्पॉन्सर करते हैं, बट जो देखिए सी ग्रेड आर्टिस्ट होते हैं, सपोज पूनम पांडे है, शर्लिन चोपड़ा है, राखी सावंत है, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो एक अनाउंसमेंट, कोई वल्गर अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जो है अगर कोहली इतने छक्के मारेगा तो हम ऐसा करेंगे। उससे क्या होता है कि जो उनका एक क्लास है, उनकी जो पोर्नोग्राफिक एरोटिक वेबसाइट्स हैं, वो ट्रैफिक डाइवर्ट होके उनकी वेबसाइट्स पर चला जाता है, तो उनको इससे थोड़ा सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी के लिए लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसे लोगों को एकदम गंभीरता से ना लिया जाए। सीता माता पे धोबी ने सतयुग में आरोप लगा दिया था, तो ये सब कलयुग के धोबी हैं। डोंट टेक देम एज अ जर्नलिस्ट, अवॉइड देम, बायकॉट देम एंड डोंट रिप्लाई टू देम, राइट। तीसरा जो सबसे ज्यादा बात कही गई है वो है, मैम आपने पालघर की लिंचिंग पे कुछ नहीं बोला। देखिए, मैंने पिछले डिबेट में पालघर की लिंचिंग पर बोला था, उससे ज्यादा बोलने का कोई प्रश्न नहीं है। अभी 2018 में स्वामी सानंद सरस्वती जी की, जो गंगा की अविरलता और गंगा के खनन पे काम कर रहे थे, लगातार उपवास पे थे, प्रधानमंत्री जी को तमाम पत्र लिखे थे उन्होंने, उनकी मृत्यु हुई, संत वर्ग ने उसको ध्यान में भी नहीं लिया। बात वर्ग की नहीं है, बात यह है कि देखिए, सामने वाले के पास एक ऐसी मशीनरी है जो किसी भी खबर को किसी भी लहर में तब्दील कर देता है। तमाम सारे पवन शर्मा रजिया बानो बन के 2 रुपए 40 पैसे में ट्वीट करने लग जाते हैं। अब अर्नब गोस्वामी ट्रेंडिंग में है, 7 लाख लोग उसके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये उसकी फॉलोइंग है? नहीं, इसके डिबेट को 44,000 आदमी देख रहा है। ये एनीवेज, आप यू कैन अंडरस्टैंड इट मच बेटर। हमें उस मशीनरी का शिकार नहीं होना है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि हम बात ना कर सकें। हमें ये सोचना चाहिए कि 23,700 आदमी कोविड से संक्रमित हो चुका है, अभी तक टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स इतनी चीप क्वालिटी के डॉक्टर्स को सप्लाई हुए हैं, उन पर कोई डिबेट नहीं हो रहा है। हमें ये पूछना चाहिए कि अभी तक सरकारों के पास वेंटिलेशन और जीवन रक्षक दवाइयों को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम विषयों पर बात ना कर सकें, इसलिए ऐसे विषयों को उठा दिया जाता है, और वो उठाना हम और आप नहीं उठाते हैं, उसके लिए एक पेड मशीनरी है। तो फेक न्यूज को अवॉइड करें, लोगों को जवाब देने के स्थान पर अनफ्रेंड, बायकॉट या ब्लॉक करें। इस समय 906 लोग जुड़े हैं, सपोज इसमें 900 लोग मेरे विरोध में हैं, तो मैं सिर्फ 6 लोगों से संवाद करना चाहूंगी, 900 लोगों को सफाई देने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे ही आप, वैसे भी इतनी बेरोजगारी है, अगर लाख 50,000 लोगों को पवन शर्मा रजिया बानो बन के 2 रुपए 40 पैसा मिल रहा है एक ट्वीट का, तो आई थिंक हमें उन्हें माफ करना चाहिए। कोरोना वैश्विक संकट के समय जबकि देश आपदा महामारी से जूझ रहा है, तो देखिए सुधीर चौधरी जी ने कितने वाजिब सवाल उठाए हैं। घरों में यदि शौचालय ना होता, बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, 8 करोड़ घरों में गैस चूल्हा ना होता, आपको पता होगा कि 7 से 8% लोग ही अपने सिलेंडर्स को रीफिल करा पाते हैं, शेष सबने बांध के या तो टाण पे रखा है या बेच दिया है। बल्कि महोबा के गांव में किसानों का यह भी कहना था कि 1 लीटर मट्टी का तेल मिलता था, जिसकी ढिबरी में हमारे बच्चे पढ़ते थे, वो मट्टी का तेल भी बंद हो गया, और चूंकि हमारे पास रोजगार नहीं है तो सिलेंडर रीफिल कराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, रोजगार हो तो सिलेंडर हो। दूसरी चीज, अगर 2 करोड़ परिवारों के पास मकान ना होता, इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर लेना, निर्मल भारत को स्वच्छ भारत कर लेने से योजनाएं मौलिक रूप से आपकी नहीं हो जाती। स्टॉप दिस कट कॉपी एंड पेस्ट एंड इट वोंट सूट्स यू एज वेल। अगर 18,000 गांवों में बिजली ना होती, ये भी बड़ा कठिन प्रश्न है। 6,28,221 गांव है भारत में, उसमें से 18,000 गांवों में मोदी जी ने बिजली पहुंचाई और सुधीर चौधरी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्चुअली मुझे लगता है 2014 के पहले सुधीर चौधरी जी
कि घर में शौचालय भी नहीं था, बड़ी मुश्किल से जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, फिर माँ चूल्हे पर रोटी पकाती थी, फिर ये पैदल, सड़कें भी नहीं थी तो पैदल 2.5 कोस चल के नदी पार करके नाव से फिर बैलगाड़ी पर बैठ के पत्रकारिता के संस्थान में जाते थे। फिर वहां पे बंक किया या क्या किया कि पत्रकारिता का कोर्स तो पूरा हो गया किंतु मानवता और नैतिकता वहीं पर छूट गई। तो जो डेटा दिया है इन्होंने, बैंक का भी दिया है, जनधन खाते कुल कितने खुले हैं अगर आप जाएंगे तो जनधन की वेबसाइट पर ही ये मेंशन है कि 22% खातों में तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, बाकी खातों की भी क्या स्थिति है वो उसमें दिया हुआ है। रिफिल का मैंने आपको बता ही दिया, बिजली का 18,000 गांव भी मैंने आपको बता दिए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 1500 गांव विद्युतीकृत थे। अगर चौधरी जी का बस चले तो थॉमस एल्वा एडिसन और माइकल फैराडे विद्युत के आविष्कार से भी मोदी जी को जोड़ दें कि नील आर्मस्ट्रांग ने पहला पांव नहीं रखा था, वो तो मोदी जी पहले चंद्रमा पे चढ़े थे। अगर चौधरी जी का बस चले तो वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज नहीं की थी, वो भी मोदी जी ने ही की थी। तो 2014 के पहले कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। तो 23 करोड़ लोगों के हाँ बैंक खाते भी मैंने आपको बता दिया। बैंकें कैसे बनी थी वैसे चौधरी जी? बैंकें नहीं होती तो क्या शौचालय में पैसा जमा करवाते? एक आरटीआई के मुताबिक 2014 से अब तक 26 सरकारी बैंकों की 90 शाखाएं बंद हो गई हैं। और बैंकिंग व्यवस्था पे ज्यादा बात करेंगे तो समय बीतता चला जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा दुर्गति अगर कोई है तो बैंक कर्मियों की। देश सेवा के नाम पे नोटबंदी के समय उनके जो हालात हुए और आज 17,500 रुपए में वो देश के दुनिया के देश भर के हिस्सों में किस तरह अपनी नौकरी कर रहे हैं ये तो बस बैंक कर्मी ही जानते हैं। तो बैंकों की तो बात मत करिए। सिलेंडर और खाता और जनधन और विद्युत और परिवारों के पास मकान, तो बुनियादी सुविधाएं भी 2014 के पहले सुधीर चौधरी जी को उपलब्ध नहीं थी। ये बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं, अगर आप विकिपीडिया पे जाते हैं तो आप पाएंगे कि जो है इनका राशि जो है वो मिथुन राशि है। नक्षत्र और नक्षत्र के पद और गोत्र इन्होंने मेंशन नहीं किया है, और चूंकि अब विकिपीडिया अकाउंट एडिट हो सकता है अपने हाथों से तो कुछ उसमें महत्वपूर्ण बातें मिस हो गई। इनका एक गौरवशाली अतीत है। 2012 में जिंदल स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड से 100 करोड़ रुपए एक्सॉर्शन मनी, 100 करोड़ एक्सॉर्शन मनी, एक्सॉर्शन समझते हैं रंगदारी, यू अंडरस्टैंड, अवैध वसूली। तो 100 करोड़ एक्सॉर्शन मनी जिंदल स्टील्स से जब मांगा गया तो स्टिंग ऑपरेशन के दौरान इन पर केस फाइल हुआ और ये 14 दिन के रिमांड पे तिहाड़ जेल चले गए। अब ऑब्वियस सी बात है कि पत्रकारिता वो भी बिना नैतिकता बिना मानवता और फिर तिहाड़ का 14 दिन का एक्सपीरियंस, तो इन्होंने बहुत तरक्की किया। निकले तो थोड़ा मानसिक रूप से असंतुलन होना स्वाभाविक था, वो इनकी पत्रकारिता में भी दिखता रहता है। बगदादी और गद्दाफी और पत्थरबाजी और खलीफा, उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं, लेकिन खैर इट हैपेंस। तो 2012 का जो भी एग्जॉर्शन का केस था, बट अभी जो इनके टाइमलाइन पे जो ट्वीट पिन है उसमें भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के साथ उनकी सेल्फी सुशोभित हो रही है। तो आप सोचिए, देश की दो ताकत, दुनिया की दो ताकतवर हस्तियों के बीच में बैठ के सेल्फी ले रहे हैं तो कितने ताकतवर पत्रकार हैं। अब इतनी ताकत रहेगी तो मानवता और मूल्य और नैतिकता और पत्रकारिता और चाटुकारिता, इसमें भेद भी समझ नहीं आएगा। तो इनके 2014 की बुनियादी हम लोग जो बातें कर रहे थे, 2005 से 2014 के बीच, देखिए अगर हम 1947 से जोड़ेंगे ना तो हम हर अगले दिन सबल हुए हैं। ये बात अलग है कि शायद विज्ञापन उतना नहीं हुआ है, लोगों तक चीजों को पहुंचाने के लिए बहुत प्रयास किया गया है। आज 80 करोड़ भारतवासी खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत राशन वितरण प्रणाली में ही अपनी भूख मिटा रहे हैं। शिक्षा का कानून, शिक्षा से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई संदर्भ नहीं है, क्योंकि बौद्धिकता पर हमले की प्रक्रिया में वो सबसे अग्रणी है। 2014 के बाद इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को डैमेज करने के लिए जो जो हथकंडे अपनाए जा सकते थे, चाहे वो श्रीमती स्मृति ईरानी जी को चार्टी मिनिस्टर बनाना हो, चाहे VCs को चेंज करना हो, चाहे सिलेबस में चेंज करना हो, चाहे सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इंस्टीट्यूशंस को डैमेज करना हो, वो सब कुछ किया गया। खैर, शिक्षा के कानून के अंतर्गत 14 लाख से ज्यादा स्कूलों में 20 करोड़ से ज्यादा बच्चे शिक्षा पा रहे हैं और वही भारत के निर्माण की नींव है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि अब बात नेशनल सिक्योरिटी की आएगी, तो जॉर्ज बुश के समय न्यूक्लियर डील भी हुआ था, उतना ऐड नहीं हुआ था, चंद्रयान लैंडिंग की तरह उस इवेंट को प्रोजेक्ट नहीं किया गया होगा, लेकिन जो जानते हैं उन्हें पता होगा। चाहे
राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आया, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कमजोर कर दिया, लेकिन सवाल उठाने की प्रक्रिया में वो बहुत बड़ा कदम था। लेकिन सुधीर चौधरी जी, 2014 के पहले ना शौचालय था, ना सिलेंडर था, ना उनके घर में बिजली था, ना उनके घर में सड़क था, तो वो किस प्रकार, मैंने बताया ना, वो जंगल से लकड़ी काट के लाते थे, फिर माँ भोजन बनाती थी, फिर वो पैदल 6 कोस जाते थे, फिर नाव पे बैठते थे, फिर पत्रकारिता के संस्थान जाते थे, फिर बैलगाड़ी से लौट के आते थे। तो जो है अब उनको बुनियादी संस्थाओं का ज्ञान ही नहीं है। लेकिन खैर, उनके अनुसार मोदी जी 6 बरस से लॉकडाउन और कोरोना की तैयारी कर रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन इसलिए बहुत बेहतर फॉलो हो पा रहा है। तो पहले तो मैंने 2014 की उनकी गलतफहमी दूर की कि बुनियादी क्या था और क्या नहीं था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो प्रश्न उन्हें 5 उठाने थे और जो वो भूल गए, तो चौधरी जी तक मेरा संदेश आप लोग पहुंचाइएगा। जीमेल नहीं है, नहीं तो मैं उनको योजनाएं जो है वो मेल कर देती। विशेष रूप से उन तक ये बात पहुंचाना आवश्यक है कि डॉक्टर्स ऊपर भगवान है और नीचे डॉक्टर्स उसका प्रतिबिंब है। कोरोना के इस संकट के दौर में डॉक्टर्स बहुत सफर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई एसोसिएशन ने उन्हें घटिया किस्म के पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है। लगातार डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के साथ मिसबिहेव लगातार बढ़ रहा है। और जो ये GST के दायरे में हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर्स पे 18%, वेंटिलेटर्स पे 12%, पूरी दुनिया अपने नागरिकों को राहत देने में जुटी है, लेकिन हमारी सरकार इस वक्त भी मध्यम वर्ग की खाल खींचने में जुटी है। मध्यम वर्ग ही कंज्यूमर है हर प्रकार का, हम लोग ही बचते हैं ना, तो किसानी कर सकते हैं, ना परचून की दुकान खोल सकते हैं, ना लेबरी करने जा सकते हैं, ना दिहाड़ी कर सकते हैं, ना मजदूरी कर सकते हैं, और ना काम धंधा बचा। समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन TV को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।